हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब लोग अच्छे होंगे, मैं मानता हूँ ऐसी चीज़ें, ठीक है। और आज हम कक्षा नौ का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, कक्षा नौ का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और उसका पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है बेटा। पार्ट नंबर जो 3 है उसका नाम है परमाणु एवं अणु। क्या नाम बेटा? परमाणु एवं अणु, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ दिमाग में रखनी क्या है वो देखो। आप लोग का कमेंट में क्वेश्चन आएगा कि सर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कहाँ हैं। तो बेटा सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की PDF मैं स्कूल को दे चुका हूँ, ठीक है। स्कूल को दे चुका हूँ सेकंड चैप्टर के PDF। दूसरा उनको समझाना बाकी है, तो समझाना तभी ही पॉसिबल होगा जब आप लोगों के पास में बुक आ जाएगी, ठीक है। तो उनका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। परमाणु एवं अणु, यहाँ से हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा रसायन विज्ञान, अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा बेटा यहाँ से। अब से पहले हम केवल और केवल पदार्थों के बारे में बेसिक अध्ययन कर रहे थे, सामान्य जानकारियाँ ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ से नंबर 3 पार्ट से हम क्या है रसायन विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ढंग से देखना, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पार्ट 3 का नाम क्या है बेटा? परमाणु एवं अणु। क्या नाम है? परमाणु एवं अणु। कई लोगों के जहन में बार बार को हिट होती है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत आड़ होती है। नहीं जी, आप लोग देखते हो कि साइंस, साइंस जो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आप लोग आगे चल के जैसे ही 11th क्लास में जाओगे तो आपको इसके 3 पार्ट कर दिए जाएंगे साइंस के। एक तो बन जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है, और एक बन जाएगा फिजिक्स का, और एक बन जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है। फिर वहाँ पे जाके आपसे टीचर कहेंगे कि बेटा आपने बेसिक अध्ययन तो कर रखा है इसका, साइंस क्या है? साइंस है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का पूर्ण रूप, मतलब सम्मिलित रूप, ठीक है। तो वहाँ पे जाके और ये सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। हम अब पढ़ रहे हैं साइंस, तो मतलब हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु, अर्थात केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है बेटा। देखो परमाणु, परमाणु को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं बेटा? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। और एवं को मैंने लिख दिया एंड। और अणु को बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? मोलिक्यूल। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेनी है कि एटम एंड मोलिक्यूल के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ोगे। अब बात आती है कि पहले लिख रखा है परमाणु, तो हम पहले परमाणु को ही समझ लेते हैं कि परमाणु वास्तव में होता क्या है। तो देखो, आप लोगों ने बार बार को समझा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि परमाणु है किसी भी पदार्थ के हम टुकड़े करते जाएं करते जाएं करते जाएं, अंत में एक ऐसा टुकड़ा बचता है कि जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। पदार्थ के यदि हम टुकड़े करते जाएं और करते 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 अंत में एक ऐसा टुकड़ा बचे कि जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सके, वही टुकड़ा कहलाएगा परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु, अर्थात अंतिम अविभाज्य कण, अंतिम अविभाज्य कण क्या कहलाएगा बेटा? परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु। अंतिम अविभाज्य कण ही हमारे पास में क्या कहलाएगा? परमाणु, अर्थात एटम कहलाएगा। इतना दिमाग में आया?
कोई भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, अंत में एक ऐसा टुकड़ा बचेगा कि हम लोग उसको और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इतना दिमाग में आ गया होगा, बस बेसिक जानकारी के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अंतिम मानी, अंत अविभाज्य मानी, उसे और भाग नहीं दे सकते और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया परमाणु के बारे में। लेकिन कई दार्शनिक पैदा हुए और उन दार्शनिकों ने क्या किया, दार्शनिक मतलब दूर के दर्शन करवाने वाले, ठीक है, लंबी सोच रखने वाले, उन्होंने हमको परमाणु के बारे में अलग अलग क्या दी, जानकारियाँ दी। ठीक है बेटा, उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है महर्षि कणाद का। किसका नाम आता है, महर्षि कणाद का। ठीक है, महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु पदार्थ का अंतिम अविभाज्य कण है, अर्थात इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। बेटा अब ध्यान रखना आप एक चीज को कि अंतिम अविभाज्य कण क्या कहलाया, परमाणु कहलाया, और सर्वप्रथम किसने बताया इसके बारे में, महर्षि कणाद ने। बेटा मैं बार बार को एक शब्द को काम में लूंगा, द्रव्य। क्या लूंगा, द्रव्य। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, इस द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ, और अंग्रेजी में बोले तो मैटर। क्या बेटा, मैटर। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो महर्षि कणाद ने बोला वो हमने समझ लिया। इसके बाद में एक और दार्शनिक आते हैं, उनका नाम है पकुधा कात्यायाम। पकुधा कात्यायाम, इन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु है, ठीक है, कण है, सामान्यतः क्या है, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। समझाऊंगा इस लाइन को, परमाणु या कण क्या है, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, और जैसे ही ये पाए जाते हैं तो हमको अलग अलग रंग के पदार्थ प्राप्त होते हैं। कैसे बेटा, देखो मैंने कहा कि हमारे पास में परमाणु है, परमाणु अंतिम अविभाज्य कण है। यदि बहुत सारे परमाणु एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये संयुक्त रूप से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना, मिलेंगे। ठीक है, ये लो, संयुक्त रूप से मिलेंगे, और ये जब संयुक्त रूप से मिलेंगे तो हमको क्या है, अलग अलग पदार्थ बना के देंगे, अर्थात अलग अलग कलर का पदार्थ बनाएंगे। जैसे दाने होते हैं, एक दाना क्या कहलाएगा, परमाणु, लेकिन जैसे ही दानों को हमने जोड़ के लड्डू बना दिया तो वो लड्डू कहलाएगा पदार्थ, और वो हमको पीले कलर के, लाल कलर के, कैसे कैसे मिलती हैं पदार्थ, तो अलग अलग क्या है, रंग प्रदान होते हैं। तो पकुधा कात्यायन ने भी यही कहा कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप से मिलते हैं और वो अलग अलग कलर को दर्शाते हैं बाद में। ठीक है, एक और दार्शनिक पैदा हुए थे, ये दोनों के दोनों दार्शनिक हैं, ग्रीक दार्शनिक है। कहाँ के हैं ये, ग्रीक दार्शनिक। ठीक है, ग्रीक देशों के ये क्या है, दार्शनिक हैं। हमारे पास में इनका नाम है डेमोक्रिट्स और ल्यूसिप्स। क्या नाम है, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिप्स है। यदि बुक में कोई मिस्टेक हो या मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा हो तो आप एक बार इस मिस्टेक्स को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिप्स, इन्होंने भी जोड़ तोड़ के बात वही कही जो महर्षि कणाद ने कही। इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है पदार्थ को तोड़ते 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 कि एक अंत में एक ही कण बच पाता है और उसे हम और नहीं तोड़ सकते, वो भी क्या कहलाएगा, परमाणु। अर्थात दो टके की सीधी बात यही है कि परमाणु पदार्थ का अंतिम अविभाज्य कण है जिसे हम और तोड़ नहीं सकते बेटा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे कि ये तो दार्शनिकों ने बता दिया है, ये तो किसने बता दिया है, दार्शनिकों ने बता दिया है, लेकिन ये मामला कहाँ तक था, 18वीं सदी के अंत तक। ये 18वीं सदी के अंत तक तो ये मामला चल रहा था कि दार्शनिक ही बता रहे थे, कोई प्रयोग नहीं किए गए, बस अपने तुक्के जाल रहे थे भाई। ठीक है, मतलब कोई प्रायोगिक प्रमाण इनके पास में नहीं था, प्रैक्टिकल फीचर कुछ भी नहीं था। लेकिन 19वीं सदी के अंदर, जैसे ही हमारे पास में 19वीं शताब्दी आई तो इसके बाद में क्या है, वैज्ञानिक प्रमाण आना स्टार्ट हो गया। क्या आने स्टार्ट हो गए, वैज्ञानिक प्रमाण आना स्टार्ट
हो गए। अब वो वैज्ञानिक प्रमाण क्या है वो हम पढ़ाएंगे, इससे पहले आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो बेटा, अब एक और चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब हमारे पास में 18वीं सदी के अंत में कोई प्रमाण नहीं थे, कोई हमारे पास में प्रूफ नहीं थे, उस समय वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने बहुत सोच विचार किया, उन पे प्रयोग किए और प्रयोग के फलस्वरूप क्या है, उन्होंने अलग अलग तथ्य निकाल के और परमाणु और अणु की परिभाषा दी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले महर्षि कणाद, पकुदा, कात्यम, लियूसिपस और डेमोक्रिट्स दार्शनिकों के बाद में वैज्ञानिक आए और वो थे एल लवाइजिए। क्या नाम था बेटा? एल लवाइजिए। और दूसरा वैज्ञानिक था जोजफ एल प्राउस्ट। क्या नाम था? ध्यान रख लेना इन वैज्ञानिकों के नाम। एक का नाम था एल लवाइजिए और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था जोजफ एल प्राउस्ट। इन दोनों भाई साहबों ने मिलके और अच्छे अच्छे प्रयोग किए और प्रमाण ढूंढे। उसके पश्चात इन्होंने बताया कि वास्तव में तत्व भी कोई चीज़ है, यौगिक भी कोई चीज़ है, अणु भी कोई चीज़ है और परमाणु भी कोई चीज़ है। इन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रमाणों के फलस्वरूप सब चीज़ें बताई। अब से पहले तो दार्शनिक तुक्के दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, इन्होंने प्रमाण देना स्टार्ट कर दिया। तो इन प्रमाणों में इन्होंने क्या है कि जब प्रयोग किए तो परमाणु अणु तत्व यौगिक को अंतर समझाने के लिए क्या किया कि इन्होंने नियम दिया, रासायनिक संयोजन का नियम। बेटा पूछ सकता है कि रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए? तो रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे एल लवाइजिए और जोजफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है, और इन्होंने दो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या दिए, नियम। रासायनिक संयोजन के कितने नियम है बेटा? दो, ध्यान रख लेना। एक का नाम आपके सामने है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरे का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है बेटा? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम बेटा। इन्होंने दो नियम दिए थे। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं एवं किसने प्रतिपादित किए? तो रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया? जोजफ एल प्राउस्ट और एल लवाइजिए। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है बेटा, वो सुनो, कि हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं हम, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान को हम विनाश कर सकते हैं, मतलब द्रव्यमान का ना तो हम विनाश कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना बेटा, एक मिनट रुको, आवाज आ रही है। हाँ तो बेटा, अब देखो, हमारे पास में द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं हम, तो उससे न तो द्रव्यमान नष्ट हो सकता है और न ही द्रव्यमान को हम बना सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान का विनाश और निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने किसी हलवाई को 10 किलो बेसन दिया और उससे बोला कि हमको बेसन के लड्डू बना के दे भाई, तो वो क्या करेगा, हमको 10 किलो के 10 किलो क्या बना देगा, लड्डू बना देगा। इसमें ये तो है नहीं कि हलवाई यदि चालू हुआ तो बात अलग है, मैं रासायनिक अभिक्रिया विज्ञान की बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश। 10 किलो लड्डू के 10 किलो दाने के लिए बेसन दिया है तो 10 किलो ही हमको तैयार क्या कर देगा, लड्डू तैयार कर देगा।
अर्थात जितना हमने माल दिया है उतना ही हमको प्रोडक्ट या उत्पाद निकाल के देगा वो, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान का मतलब एक तरह से भार समझ लो बेटा, पदार्थ का मान। द्रव्यमानी क्या होता है? द्रव्यमानी होता है पदार्थ। द्रव्यमानी क्या होता है? पदार्थ। और मान का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पदार्थ कितनी मात्रा में है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप पदार्थ को बना भी नहीं सकते, तो पदार्थ को आप नष्ट भी नहीं कर सकते हो, अर्थात पदार्थ का द्रव्यमान नष्ट भी नहीं हो सकता और ना ही उसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल समझो। देखो बेटा, ये हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। इसको बैलेंस कर दिया, इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? दो दुनी कितने हो गए बेटा? चार। ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? दो दुनी चार, और यहाँ पे एक है इसलिए एक दो से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? दो। तो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हैं? चार। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हैं? चार। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि इसके अंदर हम ना तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इससे तो ये समझ में आ गया अपन लोगों के कि द्रव्यमान का विनाश और निर्माण संभव नहीं है, विनाश और निर्माण संभव नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसका विनाश और निर्माण संभव नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आती है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हमसे क्या कहता है? देखो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे शादी का माहौल है और ये डीजे के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए मैं इसको भी वापस रिपीट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम अगली वीडियो देखेंगे, उसमें ढंग से समझाएंगे बेटा, लेकिन आप लोग केवल जितना बताया जाता है उतना काम तो करिए। और लंबी जाती वीडियो, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस है इसलिए हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।